अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिपिड्स। लिपिड्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें आम तौर पर फैट्स भी कहा जाता है। लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं ये भी तमाम एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अगर आप उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को देखना चाहें तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि इसकी हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है। लिपिड्स जो हैं ये बहुत सारी इकसाम के होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। लॉन्ग चेन ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जैसे ईथर है, एसीटोन है वगैरह वगैरह। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारी इकसाम के जो लिपिड्स हैं वो मौजूद हैं, जिनमें फॉस्फोलिपिड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, वैक्सीज हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, स्टीरोल्स हैं, लेकिन आज हम उसकी तीन बड़ी क्लासेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें नंबर वन पे आते हैं फॉस्फोलिपिड्स, दूसरे नंबर पर आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और तीसरे नंबर पर आते हैं स्टीरोल्स। तो इन तीन बड़े ग्रुप्स को हम जो है वो आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉस्फोलिपिड्स की तरफ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसे लेसिथिन कहते हैं। फॉस्फोलिपिड जो हैं ये फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरोल्स होते हैं, फॉस्फेटिडिक एसिड होता है और साथ उसके नाइट्रोजन बेस मौजूद होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसमें जो फॉस्फोलिपिड है वो लेसिथिन है। इनके जो सोर्सेज हैं ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं, तो एग योक के अंदर इनकी काफ़ी मिकदार पाई जाती है, इसके अलावा लिवर के अंदर, वीट की जर्म के अंदर, पीनट्स मूंगफलियों के अंदर भी ये काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये एनिमल फैट से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। इनका रोल क्या है कि ये एमल्सीफायर के तौर पर काम करते हैं। जब हम बॉडी में फॉस्फोलिपिड इनटेक करते हैं तो ये एमल्सीफाई करते हैं फैट्स को हमारे ब्लड के अंदर। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के जो मॉलिक्यूल हैं वो आसानी के साथ जो है वो हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर जो हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं और आसानी के साथ उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम इंटेस्टाइन्स टू एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फूड्स हमारी मार्केट में अगर आप चले जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसमें लेसिथिन का इस्तेमाल ना होता हो। कुकीज़ ले लें, चॉकलेट्स ले लें, आइसक्रीम ले लें, डेजर्ट्स ले लें, कैंडीज़ ले लें, बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आज हर कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो लेसिथिन का इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक फ़ूड एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये फ़ूड एडिटिव जो हैं ये ग़ज़ा को, फ्लेवर को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं और क्रीमीपन पैदा करते हैं, और इसलिए इनको बहुत ज़्यादा फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भी हम इनके कुछ फंक्शन जो हैं वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड जो हैं ये बनाने के लिए हमें तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल चाहिए और साथ एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल चाहिए। उन दोनों के मिलने से ये ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं और हमारी जो डाइट है उसका 95% जो हमारी डाइट का, जो लिपिड्स की डाइट का हमारा जो रेशो है वो हमें ट्राइग्लिसराइड से हासिल होता है। तो इसमें इसको बनाने के लिए हम आमतौर पर फैटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फैटी एसिड जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इनको मिलाकर फिर आगे लिपिड्स तैयार होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स तैयार होते हैं, जिन्हें न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है। तो अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के डिफरेंस की बात करें तो एक में सैचुरेटेड में तमाम हाइड्रोजन जो हैं, कार्बन जो हैं, उनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दो से लेकर कई डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। तो अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ब्यूटायरिक एसिड है जिसमें चार कार्बन होते हैं, ये हमें बटर फैट से हासिल होता है।
उसके अलावा कैप्राइलिक एसिड है, इसमें 8 कार्बन होते हैं, ये हमें कोकोनट ऑयल से हासिल होता है। इसी तरीके से पाल्मिटिक एसिड है, इसमें 16 कार्बन होते हैं, ये हमें पाम ऑयल से हासिल होता है। स्टीयरिक एसिड है, इसमें 18 कार्बन होते हैं, ये एनिमल फैट से हासिल होता है। इसी तरीके से एरेचिडिक एसिड है, इसमें 20 कार्बन होते हैं, ये हमें पीनट ऑयल से हासिल होता है। ये जो फैटी एसिड हैं, अगर आप इनकी मदद से ट्राइग्लिसराइड्स तैयार करेंगे तो वो फैट्स होंगी, यानी वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। और इनसे आमतौर पर जितनी भी फैट्स हैं, घी है, मक्खन है वगैरह जो हैं, वो तैयार किए जाते हैं। इस तरह वनस्पति घी जो है वो भी इन्हीं से तैयार किया जाता है, ख़ास तौर पर स्टीरिक एसिड से। इसी तरीके से अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ये उनमें है कैप्रोलिक एसिड है, इसमें 10 कार्बन होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है, ये हमें बटर फैट से हासिल होता है। इसी तरीके से पाल्मिटोलिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है, ये बीफ की फैट से हमें हासिल होता है। इसी तरीके से ओलिक एसिड है, इसमें 18 कार्बन और एक डबल बॉन्ड होता है, ये हमें ऑलिव ऑयल और कैनोला ऑयल से हासिल होता है। लाइनोलिक एसिड, जिसे ओमेगा 6 भी कहा जाता है, ये 18 कार्बन वाला होता है और इसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये हमें कॉर्न ऑयल और सोयाबीन ऑयल से हासिल होता है। इसी तरीके से अल्फ़ा लाइनोलिक एसिड, जिसे ओमेगा 3 भी कहा जाता है, ये 18 कार्बन वाला एक फैटी एसिड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड जो हैं वो मौजूद होते हैं, ये हमें कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, वॉलनट और फ्लैक्स सीड से हासिल होता है। सबसे बेहतरीन फैटी एसिड है, इसे ओमेगा 3 भी कहते हैं। ये जो फैटी एसिड होते हैं, ये हमें आमतौर पर प्लांट सोर्स से हासिल होते हैं और इनकी मदद से हम आमतौर पर ऑयल तैयार करते हैं और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन क्योंकि ऑयल की जो शेल्फ़ लाइफ है बहुत कम होती है, तो अक्सर औकात हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि ऑयल्स की शक्ल में होते हैं, उन्हें हाइड्रोजिनेशन के ज़रिए फैट्स में, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें ऑयल और हाइड्रोजन को मिलाकर निकल की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, तो वो एक सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे घी कहा जाता है, वनस्पति घी कहा जाता है, जिससे उनकी जो शेल्फ लाइफ है और स्टेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की वो इंक्रीज हो जाती है। तीसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे फैटी लिपिड्स की, उसमें आते हैं स्टीरोल्स। स्टीरोल्स की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। अगर हम कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज की बात करें स्टीरोल्स के, तो वो हमें मीट से हासिल होता है, एग योक से हासिल होता है, फिश हमें देती है स्टीरोल्स, पोल्ट्री से हमें हासिल होता है और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे हमें स्टीरोल्स हासिल होते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन का। हमारी बॉडी में जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट अहमियत रखता है। इसके अलावा ये स्टीरोल जो हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के हार्मोन, जिनमें सेक्स हार्मोन्स हैं, उनको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन हैं उनको बनाने में भी हेल्प करता है। इसी तरीके से जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ए डी ई और के, उनकी ट्रांसपोर्ट और उनको बनाने में भी अपना रोल अदा करता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है हमें बाहर से डाइट के ज़रिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लिवर है वो भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए हमें बाहर से कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम मिकदार में लेना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, जिसे LDL कहा जाता है, यानी लो डेंसिटी लिपिड्स में आता है, वो हमारे दिल में आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देगा, जिससे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी हार्ट अटैक का खदशा जो है वो पैदा हो जाता है। इसी तरीके से जो LDL लिपिड्स होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी कॉज कर सकता है, जिसमें स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन के अंदर और हार्ट की जो खून की नालियाँ हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा मिकदार जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। तो इस तरीके से 3 बड़े ग्रुप्स हैं, इसमें फास्फोलिपिड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड हैं जो 95% हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा स्टीरोल्स हैं जो हमें मतलब डाइट से हासिल होते हैं। ये जितने भी लिपिड्स हैं, इनके अगर हम ओवरऑल सोर्सेज की बात करें तो लिपिड जो हैं हमें फ्राइड फूड से, जो तली हुई गजाएँ होती हैं, वहाँ से हासिल होते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल में, बटर से, मिल्क से, चीज़ से, मीट्स हैं, कॉर्न है, ऑलिव्स हैं, नट्स हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर काफ़ी मिकदार में ऑयल्स और लिपिड जो हैं वो मौजूद होते हैं। लिपिड जो होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम 1 ग्राम लिपिड यूज़ करते हैं तो हमें उससे 9 किलो कैलोरी
पर ग्राम जो है वो हमें एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो ये डबल से भी ज़्यादा हमें हासिल हो रही है कार्बोहाइड्रेट की नस्बत। इसलिए हम ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा लिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फैटी फूड आती हैं, फ्राइड फूड आती हैं, फिश आती है, नट्स आते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो हरारत है वो ज़्यादा लॉस हो रही होती है सर्दियों की वजह से, वो हम उसको कॉम्पेंसेट कर सकें। लेकिन हमें यहाँ पर भी ये ख्याल रखना होगा कि हम लिपिड जो हैं वो अच्छे वाले जो हैं वो इस्तेमाल करें। जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं वो थोड़े से नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि वो एलडीएल जो लिप एलडीएल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल की एक टाइप है, जो हमारे आर्टरीज को क्लॉक कर सकते हैं और हमारे लिए मुख्तलिफ डिजीज़ का बायस बन सकते हैं। अगर हम ओवरऑल फंक्शंस की बात करें तो लिपिड जो हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रखते हैं। तो आइए हम उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। नंबर वन, ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनके मदद से हमारी स्किन, हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन्स बनती हैं और उसमें ख़ास तौर पर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं। उसके बाद हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्रोड्यूस एंड रेगुलेट हार्मोन्स, क्योंकि स्टीरोल जो है मैंने अभी आपको बताया है कि ये बहुत सारे हार्मोन जिसमें सेक्स हार्मोन है, एडिनल हार्मोन है, उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ एडिपोज टिश्यू मौजूद होते हैं, जहाँ पर लिपिड जो हैं वो स्टोर होते हैं, वहाँ पर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे लेप्टिन कहते हैं। ये हमारी हैपीटाइट यानी भूख को कंट्रोल करता है। तो जब हम लिपिड लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक फुलनेस पैदा होती है और हमारी हैपीटाइट जो है वो कंट्रोल में रहती है। इसी तरीके से ये रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सेक्स हार्मोन्स भी शामिल हैं, इसलिए लिपिड जो हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो वह इंसान जो लिपिड्स नहीं लेते, कम मिकदार में लेते हैं, वो इनफर्टाइल हो सकते हैं एट दी एज। इसी तरीके से अगर आप बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो उसमें ओमेगा 3 होते हैं, ओमेगा 6 होते हैं, ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ख़ास तौर पर एलडीएल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अल्फा ओमेगा 3 की बात करें तो सबसे बेस्ट कैनोला ऑयल है, उसको इस्तेमाल करें। उसमें कुदरती तौर पर ओमेगा 3 मौजूद होते हैं, या ऐसी लिक्विड ऐसी फैट्स इस्तेमाल करें जिनमें ओमेगा 3 हो, तो वो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो हैं, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पाए जाते हैं, ये हमारे जिस्म में ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से ये जो लिपिड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन जैसे किडनीज़ हैं, हार्ट है, या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनलीज हैं, उनके इर्द गिर्द एक लेयर चढ़ाकर उनको इंसुलेट करते हैं, ताकि हमें ट्रॉमा चोट से उनको बचाया जा सके। इसी तरीके से लिपिड जो हैं ये हमारी स्किन के अंडर भी मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी की इंसुलेशन करते हैं, ताकि सर्दी और गर्मी से टेम्परेचर को बचाया जा सके। इसके अलावा ये सिग्नलिंग का काम करते हैं, हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सबसे पहले नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। न्यूरॉन्स के ऊपर ये माइलिन शीथ के शक्ल में लगे होते हैं और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाते हैं। इसके अलावा ये मेमोरी स्टोरेज में इजाफे का बायस बनते हैं। टिश्यू स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जो बनता है उसमें हेल्प करते हैं। इसी तरीके से न्यूरॉन के ऊपर इंसुलेशन करते हैं, माइलिन शीथ लगाते हैं, न्यूरोग्लियल सेल पैदा करते हैं, जिससे हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसी तरीके से जब हम बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, जैसे अगर आप टमाटर खाते हैं तो उसके अंदर लाइकोपीन होता है, या इसी तरीके से जब आप गाजरें खाते हैं तो उसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है, उनकी बायो एब्जॉर्प्शन के लिए, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए लिपिड्स बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। यानी अगर आप सैलड खा रहे हैं जिसमें आपने गाजरें हैं और साथ टमाटर हैं, तो अगर आप उनके साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एब्जॉर्ब होंगे और ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये दोनों लाइकोपीन और कैरोटीन जो हैं ये आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। इसी तरीके से ये हेल्प टू ट्रांसपोर्ट विटामिन ए, डी, ई एंड के, क्योंकि फैट सोलूबल विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सोलूबल हैं, इसलिए जब ये फैट्स में होते हैं डिसॉल्व, तो आसानी के साथ इनको बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हैं वो रोल करते हैं। तो हमें इनकी एक अच्छी मकदार जो है, गुड अमाउंट जो है, वो हमें डेली मुख्तलिफ न्यूट्रिशन में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर,
जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर बनाने में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने लिपिड्स की न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।